अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं छोले आलू की बिरयानी। चलिए झटपट हम अपनी ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है और उसके बाद हमें इसमें प्याज डालते हैं। एक मिनट भी मैंने प्याज ली थी, थोड़ा सा ये गरम मसाला लिया था स्वादिष्ट, ये भी हम इसमें डालते हैं। ये हमारी प्याज लाल हो गई है और हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मैंने पुलाव का मसाला लिया है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ली है और दो टमाटर लिए छोटे, ये हम सब इसमें ऐड कर। और ये हमने बॉइल किए थे और चने पका है और अब हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे आलू गलने से मैं लिए, उसके बाद हम चावल इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड किया है पिसा हुआ और ये डाल कर इसमें पानी डाल कर, ये पानी हमने ऐड किया है इसमें तकरीबन एक कप आलू गलने के लिए। जब बस ये आलू गल जाएंगे तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये आलू हमारे रेडी हो गए हैं, गल गए हैं और इसमें हम चावल ऐड करते हैं। तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा चावल हैं ये। पानी ऐड करेंगे, चावल हमारे गल गए हैं। इसमें हमने डालना है हरी मिर्ची, और ये थोड़ा पुदीना है ऐड कर लेंगे, और ये लेंगे एक लेमन मैंने पूरा लिया। अच्छा, नमक हमने उस टाइम थोड़ा कम लिया था, कम डाला था, अब हम चावलों के हिसाब से थोड़ा और डालेंगे। तकरीबन वन टी स्पून मैंने नमक और ऐड किया है, तभी थोड़ी देर में इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसको हम दम पे लगाएंगे। चावल हम चेक कर लेते हैं, तकरीबन हो गया है। इसमें थोड़ा सा कलर डालिए गड़बड़ का डालिए, बस इसको 5 मिनट दम देके हम इसको डिश आउट कर। ये देखिए हमारे लिए छोले आलू का पुलाव रेडी है, आप भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह और मुझे बताइएगा कैसा बना है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारा आज का आलू छोले का पुलाव। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।